नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या होता है कभी कभी आपका FM आप कवरेज में हो तो भी नहीं काम करता। उसका रीज़न होता है यहाँ पे आपके एंटीना लगा रहता है, कुछ में 7 फिन एंटीना, मतलब एंटीने का काम रहता है, कुछ गाड़ी में पीछे लगा रहता है। मेरी गाड़ी में वो काम नहीं करता था। कारण उसका क्या था कि जब मैंने ये गाड़ी पेंट करवाई थी तो उन्होंने जितने भी होल्स हैं, ये बड़ा वाला तो नहीं भर पाए, लेकिन जो छोटे वाले थे उन्होंने भर दिया और एंटीना घुमा दिया। तो मैं ये मार्केट से लेके आया हूँ, ये OEM नहीं है साहब, ये OEM बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट्स में देखा होगा आपने, OEM आता है ना, इसमें थोड़े से अंतर है। एक तो ये छोटा है, पता नहीं ये जाम के कारण शायद नहीं खुलता हो, छोटा तो नहीं है, लगभग बराबर ही होगा। इसकी मजबूत क्वालिटी ये देखिए और ये देखिए, इसमें क्या है थोड़ा सा अंतर है, ये देखिए ये इस टाइप का है, शायद अच्छा भी लगता हो कि नहीं अच्छा लगता हो। और ये चूंकि इसका 2 खुलता है, ये मोटा है, उससे काफ़ी मोटा है। देखो इसकी जो ये निब भी है वो भी मोटी है, उससे वीक है ये। खैर ये मेरे को 200 में पड़ा है। तो अब ये है कि अगर इसको मिला के मैं कोई दूसरी गाड़ी लूँ, कहाँ पे होल है तो वो झंझट है, पता चला दाएं बाएं हो गया तो दिक्कत है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट ही, ये मेरे पास ये वाली हार्ड वाली कील है, जिससे मैं इसमें छेद कर दूंगा और फिर इस टाइप के स्क्रू ड्राइवर से इसे कस दूंगा, तो ये अपना काम हो जाएगा। मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ गया क्योंकि जो कर्टन्स लगे हैं तो ये आपके बॉडी पे ही लगे हैं, तो आराम से लग जाते हैं। तो ये एक्चुअल में लगता है ऐसे है, आपको दिखा दूँ, ये ऐसे जाएगा और ये उसको स्टेबल करने के लिए ये ऐसे लगेगा, तो इससे थोड़ा सा गाड़ी का 100 पीस भी बढ़ जाता है। तो पहले इसको हम ठोंकेंगे ठाकेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। देखिए हमने निशान बना दिया है, ये देखिए, तो अब हम इसमें ठोक देंगे। वैसे ये पिलर बहुत हार्ड होता है, ये अपना हो चुका है और बहुत क्लीन हुआ है, देख रहे हो आप। अब इसमें हम लगाने की कोशिश करेंगे उसे, ये देखिए ये हमने लगा दिया है, बिल्कुल टाइट है। अब हम ऊपर को लगाएंगे, ये साइड पे रहेगा, देखिए निशान लग गया। काफ़ी क्लीन आता है, ये देखिए बिल्कुल क्लीन, सामने से देखो। अपना इधर भी लग गया, इधर भी लग गया, और चूंकि ये OEM नहीं है तो इसलिए ये फैला नहीं, तो हमने इसको ऐसा बनाया है कि ऊपर से निकल जाए। और हाँ जी, आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपके पास सिलाई मशीन वाला जो ऑयल होता है हल्का सा डाल दीजिएगा, और जब भी आप क्लीन करेंगे गाड़ी को तो इसको ज़रूर क्लीन कर दीजिएगा। तो ये देखिए परफेक्ट फिटिंग हो चुकी है आपकी, तो ये लगा लिया। आप किसी भी गाड़ी में लगा सकते हो अपने साइज़ के हिसाब से। ये एंटीने का तार है, ये देखिए ये हमने वायर यहाँ अंदर से ला लिया है इसका, और ये है आपका, ये देखिए ये है आपका एंटीना का, ये देखिए लग चुका है, ये देखिए ये अपना फिट हो चुका है, और इसे फिर अंदर डाल दीजिए। आपका OEM होगा मतलब कंपनी वाला होगा तो इतनी सुविधा नहीं मिलेगी, फिर आपको ये 2 नट खोलने पड़ेंगे, ये पूरा बाहर आ जाएगा। पीछे से लगा दीजिए, काम खत्म। ये देखिए ये अपना लग चुका है, पहले ये देखिए कुछ भी नहीं काम करता था, अब लगभग इसको हल्की फुल्की फ्रिक्वेंसी मिल रही है, इसलिए सेकिंग पे अपने आप यहाँ पे कुछ ना कुछ पकड़ रहा है, तो अब ये एंटीना का फायदा है और अच्छा भी दिख रहा है। ये कितने का है तो ये साहब ये मेरे को 250 का पड़ा है, आप भी ऐसे ही लगा सकते हैं, आपके में नहीं है पुट्टी वो कर दिया है, तो ये आपको ये जो बड़े बड़े पाइप्स आते हैं ना उसके लिए दिया गया, इनसे आप कील निकाल के आप अपना काम कर सकते हैं। एंटीना है तो 100 पीस भी है और उनके लिए बहुत अच्छा है, हम लोगों के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। क्या होता है ना, हर आदमी हमेशा म्यूजिक सिस्टम नहीं सुनता, जैसे हम लोग क्या है कि यहाँ पे हल्का फुल्का इलाहाबाद वाला है, प्रयागराज वाला FM पड़ता है ना, उसी को हम सुनते हैं, यहाँ पे नहीं पकड़ता था। इवन जब हम डिस्ट्रिक्ट में रहते थे वहाँ लोकल FM नहीं पकड़ता था, अब जाके कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी। बस यही कहना था, मिलते हैं आपसे किसी, धन्यवाद आप सभी।